हाँ सर, हाँ सर, देखो आपका जो अर्थवर्म है इसमें 5 हार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हर एक सेगमेंट में यहाँ पे एक हार्ट दिया है, ठीक है। तो टोटल 5 हार्ट्स है। ये हार्ट्स क्या करते हैं, आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं वेंट्रल वेसल में। वेंट्रल वेसल इसको एंटेरियर टू पोस्टेरियर लेके जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा कहाँ पे, आपके डॉर्सल साइड की, ठीक है। तो एंटेरियर टू पोस्टेरियर साइड की तरफ। तो इंटीरियर टू पोस्टीरियर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, वेंट्रल वेसल, ठीक है। कि यहाँ तक हाँ ठीक है। तो ऊपर में जो है ये डॉर्सल वेसल है, और ये क्या करता है, हर एक सेगमेंट से आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका वेंट्रल वेसल, और वेंट्रल वेसल से ये आपका यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क, और कैपिलरी नेटवर्क जो है ये फिर आपके ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पे भेजता है, डॉर्सल वेसल। तो डॉर्सल वेसल का काम होता है आपके ब्लड को पोस्टेरियर साइड से एंटेरियर साइड पे ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है क्या यहाँ पे। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ ठीक तो ये पोस्टेरियर टू इंटीरियर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और ये इंटीरियर टू पोस्टेरियर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर वर्टिब्रेट्स की अपन बात करते, तो फर्स्ट इन फिश यहां पे टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। फिश में टू चेम्बर्ड हार्ट अगर है तो फिश के पास में लंग्स नहीं होते, क्योंकि फिश आपका वाटर में होता है, उसके पास में होता है गिल्स। तो लंग्स का जो फंक्शन है वो गिल्स करता है, मतलब ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो इस केस में हमारे पास ये दो चेम्बर्ड हार्ट है जो क्या करता है, आपके ब्लड को पंप करने का काम करे। ये आपका कैपिलरी नेटवर्क, और कैपिलरी नेटवर्क जो है इसके पास में ब्लड कहाँ से आएगा, तो इसके पास में ब्लड आएगा गिल्स से। गिल्स के पास में ब्लड कौन भेजेगा, तो गिल्स के पास में ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है हार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका गिल्स है और ये आपका कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है यहाँ तक, हाँ ठीक है। और ये अपना टू चेम्बर हार्ट है। तो पहला जो ऊपर वाला चेम्बर है इसको बोला जाता है वेंट्रिकल, और जो नीचे वाला चेम्बर है उसको बोला जाता है एट्रियम, ठीक है। हाँ ठीक। अब देखो कि इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक वॉल दिया है, ठीक है। ये वन वे वॉल होता है जो ब्लड को कोई भी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है।
अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको अपन रेड से इंडिकेट करेंगे, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अपन ब्लू से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब देखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ से आया, गिल्स ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, ब्लड का ऑक्सीजनेशन किया, और अभी ब्लड जो है ये आपका इस डायरेक्शन से कैपिलरी नेटवर्क के पास में पहुंच गया। यहां तक ठीक है? कैपिलरी नेटवर्क में क्या होगा, टिश्यू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको कैपिलरी करेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जो आपका ब्लड है इसमें से तो ऑक्सीजन तो निकल गया, इसके पास में है अभी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अपन इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको बोलेंगे अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक ठीक है। है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट के पास में आया, मतलब एट्रियम के पास में आया। एट्रियम ने इसको ट्रांसपोर्ट किया कहाँ पे, एट्रियम ने इसको ट्रांसपोर्ट किया वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है गिल्स के तरफ, मतलब अभी आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहुंच गया आपके गिल्स के पास, गिल्स जो है फिर से इसको ऑक्सीजनेटेड करेगा और फिर से आपके कैपिलरी नेटवर्क की तरफ भेजेगा। ठीक है यहां तक? हाँ ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही चेंबर है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। अब देखो कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका दो टाइप के सर्किट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्किट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सिस्टमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट का मतलब क्या रे, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ठीक है, तो अगर ब्लड आपका हार्ट से लंग्स के पास में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो इसमें सबसे पहले हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे अभी पढ़ा अपन ने, ब्लू जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको हमने ट्रांसपोर्ट किया किसके पास में, लंग्स के पास, लंग्स ने वो ब्लड जो है उसका ऑक्सीजनेशन किया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया आपके हार्ट के पास, ठीक है, इसको हाँ बोलेंगे अपन पल्मोनरी सर्किट, क्योंकि हार्ट ब्लड लंग्स के पास में भेज रहा है, लंग्स से ही वापस कलेक्ट कर। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिस्टमिक सर्किट। सिस्टमिक सर्किट में फिर से हार्ट जो है ये ब्लड को भेजता है सिस्टम के पास में, सिस्टम मतलब टिश्यू या ऑर्गन, ठीक है, कोई भी आप ऑर्गन कंसिडर कर लो, तो उसके पास में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सिस्टम ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और CO2 को रिलीज कर देगा, तो ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड बन गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको वापस हम भेजते हैं हार्ट के पास, तो ये हो गया आपका सिस्टमिक सर्किट। तो आप जो अपन ने फिश में सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा,
उसमें से कौन सा आपका सिस्टमिक सर्किट है और कौन सा आपका पल्मोनरी सर्किट है? क्वेश्चन फिर से बोलिए। यहाँ पे जो अपन ने फिश का पढ़ा ना, उसमें पल्मोनरी सर्किट कौन सा है और सिस्टमिक सर्किट कौन सा है? जब हार्ट से गिल्स की तरफ जा रहा है तो वो सिस्टमिक सर्किट होगा, पल्मोनरी होगा, पल्मोनरी होगा वो हो गया पल्मोनरी। अभी एक बात सुन लो, पल्मोनरी ये इंडिकेट करता है लंग्स को, है ना, और फिश में लंग्स नहीं होते, तो इसमें आप ना ही कंप्लीटली ट्रू सिस्टमिक सर्किट है और ना ही ट्रू पल्मोनरी सर्किट। हम ये दो सिस्टम तभी पढ़ सकते हैं जब हमारे पास में लंग्स आए और लंग्स की तरफ ब्लड भेजने के लिए आपके पास पाथ अलग हो और सिस्टम की तरफ भेजने के लिए पाथ अलग हो, तभी अपन ये सर्किट भेज सकते हैं। बट यहाँ से यहाँ पे आपका फिश में हार्ट से सिस्टम की तरफ भेजने के लिए कोई भी दूसरा आपका पाथ नहीं है, बराबर। तो इसलिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लंग्स फिश। लंग्स फिश में क्या हुआ, लंग्स फिश में थ्री चेम्बर हार्ट आपका डेवलप हुआ। थ्री चेम्बर हार्ट मतलब हार्ट को तीन चेम्बर आ गए, ठीक है। तो इस केस में लंग्स फिश जब भी आपका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता था लेक में, उस केस में फिश सर्वाइव नहीं करती थी। उस एरिया में जहां पे हमेशा ये प्रॉब्लम आता था, तो वहां के फिश ने क्या किया, धीरे धीरे लंग्स को डेवलप करना स्टार्ट किया। और जिस एरिया में हमेशा वाटर कुछ दिनों के बाद में सूख जाता था, वहां पे एक नया स्पीशीज इवॉल्व हुआ जिसको अपन ने बोला लंग फिश, जो विदाउट वाटर भी रेस्पिरेशन कर सकता है। आप अगर यूट्यूब के ऊपर डाल के देखोगे तो जो सॉइल होता है उसमें फिश बहुत दिनों तक सर्वाइव करती है, उसको बोला जाता है लंग फिश, ठीक है। तो लंग फिश जो है इसमें आपके पास ये गिल्स दिए हैं, गिल्स दिए क्योंकि इसको वाटर में भी रहना है, वाटर में भी सर्वाइव करना है। उसके बाद गिल्स जो है यहां से आपका जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यू की तरफ। तो यहां पे आपका कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है क्या यहां पर? हाँ सर। कैपिलरी नेटवर्क से ब्लड आएगा हार्ट के पास में, तो ये हार्ट के पास में ब्लड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हार्ट के पास ब्लड आने के बाद हार्ट इसको पंप करेगा गिल्स की तरफ, तो ये ब्लड आपका गिल्स की तरफ जाएगा। बट जिस कंडीशन में वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होता उसमें आपको रेस्पिरेशन करना है विद द हेल्प ऑफ लंग्स, तो आपको लंग्स से यहां पे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना है। तो ये हमारा लंग,
ठीक है कि यहाँ पे? ठीक है हाँ। ये भी ब्लड का ऑक्सीजनेशन कर सकता है और ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है आपके हार्ट की तरफ। तो यहां पे राइट और लेफ्ट ये दो एट्रियम यहाँ पे आपके पास में डेवलप हो। हाँ सर। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम और ये आपका राइट एट्रियम और ये आपका वेंट्रिकल, ठीक है ना? ठीक है। ये और ये आपका कैपिलरी, अब देखो फिर से रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकला, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकला और ये एंटर करता है कहां पे? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब ब्लड वेसल्स। हम पहुंच गए कहां तक? कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। तो हम ये कैपिलरी नेटवर्क तक पहुंच गए। चलो यहां पर डिफिकल्टी है क्या? अब यहां से ब्लड जो है इसका डीऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे पहुंच गए? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद में ये आपका जो ब्लड है ये आपका एंटर करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये पहुंच गया लंग्स के पास, गिल्स के पास, सॉरी गिल्स के पास। गिल्स क्या करेगा? ऑक्सीजनेशन करेगा ब्लड का और फिर से उसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पे? आपके कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास में वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो उस केस में ब्लड जो है ये एंटर करेगा कहां पे? एंटर करेगा ब्लड लंग्स में। कहां पे एंटर करेगा? आपके ये देखो कहां पे एंटर करता है? लंग्स। और लंग्स में एंटर करने के बाद में फिर आपका ये इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी लंग्स का जो पाथ है इससे पहुंच गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से आपका ये ऊपर की तरफ से जा रहा है और कहां पे पहुंच गया? अभी आपके वेस्कुलर सिस्टम में। समझ में आया क्या? हाँ सर। यहां तक अगर किसी को भी अगर डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो। तो कैपिलरी नेटवर्क के पास में पहुंचने के बाद में डीऑक्सीजनेशन होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के पास में आएगा,
राइट एट्रियम जो है इसको वेंट्रिकल में भेजेगा, वेंट्रिकल जो है ये इसको भेज देगा फिर से आपके गिल्स, गिल्स टू लंग्स, लंग्स फिर से उसका ऑक्सीजनेशन करेगा। ये जो सर्किट है अभी, ये सर्किट को हम बोलेंगे कौन सा सर्किट, देखो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम टू गिल्स लंग्स और उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम, कौन सा सर्किट हो गया ये? सिस्टमिक हुआ। ऐसे सिस्टमिक हुआ, राइट एट्रियम टू गिल्स, गिल्स टू लंग्स, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, हार्ट से लंग्स के पास में गया और वापस हार्ट के पास में आ गया, चलो यहाँ तक अगर किसी को डिफिकल्टी होगी तो पूछ सकते। उसके बाद में है एम्पीबियंस, एम्पीबियंस जो है इसमें थ्री चेंबर हार्ट होता है, एम्पीबियंस की अगर आप बात करोगे तो इस केस में, एक मिनट रुक जाओ, दिख रहा है ना ये इमेज, दिख रहा है? हाँ सर। ये देखो ये फिश का पन्ने पड़ा जिसमें टू चेंबर हार्ट होता है, ये वेंट्रिकल होता है, ये एट्रियम होता है, बराबर। उसके बाद में एम्पीबियंस, एम्पीबियंस में अपने थ्री चेंबर हार्ट बोला है, तो यहाँ पे देखो अभी ये आपका जो वेंट्रिकल है, जैसे लंग फिश में अपन ने वेंट्रिकल जो है ये कॉमन पड़ा था, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे मिक्स होता था, बराबर। यहाँ पे पार्शियल सेपरेशन हो गया है बट कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास में मिक्स होने के लिए जगह है, इसलिए वेंट्रिकल पूरा सेपरेट नहीं है, इसलिए अपन इसको दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल, मतलब थ्री चेंबर हार्ट बोलते हैं, ठीक है क्या? तो एम्पीबियंस के पास में कितना है, थ्री चेंबर हार्ट है। देखो अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं लंग्स से, ठीक है। लंग्स जो है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है कहां पे, लेफ्ट एट्रियम, जैसे हमारे साथ में होता, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपका आएगा वेंट्रिकल में, बराबर है क्या?
हाँ, ये लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल जो है यहां से ब्लड को अपन पंप करेंगे, तो ब्लड जो है ये यहाँ पे भी जा सकता है और ब्लड जो है ये यहाँ पे भी एंटर कर सकता है, बराबर है? हाँ, तो इस केस में हमारे पास जो वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में आपका ब्लड दोनों सर्किट में एंटर कर सकता है, लंग्स वाले भी और सिस्टम भी। अगर यहां से ब्लड ये वाले सर्किट में एंटर करता है तो अपन बोलेंगे कि ये सिस्टमिक सर्किट है, आपके कैपिलरी नेटवर्क मतलब टिश्यू के पास में पहुंच गया, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक्सचेंज किया जाए, ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के बाद में आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया फिर से वापस राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम उसको भेज देगा कहाँ पे, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल फिर उसको पंप करेगा कहाँ पे, लंग्स के पास में। तो ये आपका पल्मोनरी सर्किट हो गया, ठीक है क्या? बट अगर अपन एक साथ, जैसे ये आपका वेंट्रिकल है और इसको अपन ने पार्शियल सेपरेट किया, एक साथ अगर, आवाज आ रहा है ना? हेलो, यस सर, हमें आवाज आ रहा है। अब देखो ये एक साथ अगर अपन ने दोनों भी वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट किए, क्या होगा रे? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों भी मिक्स हो जाएंगे। हाँ, बराबर है। इसलिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में अपन असिंक्रोनी रखते हैं। असिंक्रोनी का मतलब क्या? एक साथ दोनों के दोनों वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, समझ गए। पहले आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे है तो अपन ने क्या किया, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भर के रख दिया, ठीक है, मतलब यहां पे प्रेशर जनरेट हो गया इस साइड में। हाँ, ठीक है क्या? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो हम वेंट्रिकल को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके साथ में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड पहले से है तो जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है ये आने के बाद जब हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड सिर्फ कहाँ पे एंटर करेगा, ब्लड सिर्फ एंटर करेगा आपके ये वाले सर्किट में, कौन से, लेफ्ट एट्रियम, जो आपका सिस्टमिक सर्किट में ब्लड भेज रहा है उस वहां पे आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो आपका सर्किट है इसमें पहले से ब्लड भरा है तो इसका मतलब ब्लड आपका यहाँ पे एंटर नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट, जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपन ने पंप किया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया रे? ये वाले ओवरटा, ए ओवरटा में सिस्टमिक के ओवरटा, बराबर। अब अपन क्या करें, जो ये वाला वेंट्रियम है, वेंट्रिकल है, इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी ये आपके सिस्टमिक एओर्टा में नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे अपन ने पहले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर के रखा, तो ब्लड कहाँ पे एंटर करेगा, सिर्फ आपके राइट सर्किट में, मतलब आपके पल्मोनरी सर्किट, ठीक है कि यहाँ पे। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। तो आपका जो एमबीबीएस है इसके पास में थ्री चेंबर हार्ट होता है, उसके बाद में अगर आप रेप्टाइल्स की बात करते हो तो इस केस में आपको वेंट्रिकल जो है इसमें सेपरेशन दिख रहा है,
दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ पे आपका जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, सॉरी रेप्टाइल्स होते हैं, तो आपका वेंट्रिकल जो है एम्फीबियंस में अपन ने पहले पार्शियली सेपरेट किया, और उसके बाद में जो रेप्टाइल्स है इसमें अपन ने सेपरेशन और बढ़ा दिया, ठीक है। तो जो आपका मिक्सिंग का जो प्रॉब्लम था वेंट्रिकल में, जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसके मिक्सिंग का जो प्रॉब्लम है ये आपका मिनिमाइज हो गया, ठीक है यहाँ तक अभी। पर जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, सॉरी जो आपका क्रोकोडाइल होता है, इसमें और एक आपका एक्स्ट्रा का पार्ट दिया है ये वाला, तो क्रोकोडाइल जब रेस्टिंग कंडीशन पे होता है, मतलब रेप्टाइल या क्रोकोडाइल की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, जब ये आपके नहीं करते तो उस वॉइस क्लियर नहीं है आपका। हेलो समझ नहीं आ रहा, वॉइस क्लियर नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। जब भी क्रोकोडाइल या फिर रेप्टाइल्स जो है जैसे स्नेक वगैरह ये जब ब्रीदिंग नहीं करते तो उस केस में क्या होता है, ब्रीदिंग नहीं कर रहे मतलब लंग्स आपका काम नहीं कर रहा है, आप ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहे हो, तो उस केस में क्या करते हैं आप लंग्स की तरफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। आप अगर लंग्स में ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहे तो आपका जो ये पाथ है ये पूरा ब्लॉक हो चुका है, कौन सा ये वाला, ये सर्किट आपका पूरा ब्लॉक हो गया। तो ब्लड जो है इसको राइट वेंट्रिकल से हम कहाँ पे भेजते, हम इसको भेज देते ये वाले सर्किट में, और ये सर्किट में ब्लड आने के बाद में ये आपका कैपिलरी नेटवर्क के पास में आता है, कैपिलरी नेटवर्क टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम टू उसके बाद वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फिर से आपका ये कहाँ पे एंटर करेगा, आपके सिस्टमिक सर्किट में। यहाँ तक यहाँ तक ठीक है इसका? यस सर। वहां से ब्लड रोटेट ही हो रहा है ना, फिर रोटेट हो रहा है, ऑक्सीजनेशन नहीं। हाँ तो ठीक है ना। उसके बाद में मैमल्स एंड बर्ड्स, और मैमल्स एंड बर्ड्स जो है इसमें फोर चेंबर्ड हार्ट, मैमल्स और बर्ड्स का अगर अपन बात करते तो यहाँ पर फिर से अपन लंग्स से स्टार्ट करेंगे। लंग्स जो है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टू सिस्टमिक एओर्टा एंड देन कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क तक पहुंचने के बाद में आपका गैस जो है इसका एक्सचेंज होगा, और उसके बाद में फिर हम पहुंच जाएंगे आपके राइट एट्रियम, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टू पल्मोनरी सर्किट एंड देन लंग्स। लंग्स में फिर से आपका ऑक्सीजनेशन होगा, और उसके बाद में फिर से अपन ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे टुवर्ड्स दी हार्ट, ठीक है यहाँ तक? ओके सर।
नेक्स्ट ये देखो, ये अपन और बर्ड्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स और बर्ड्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास में ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ब्लड जो है, ये ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द सिस्टमिक सर्किट एंड पल्मोनरी सर्किट। अगर आपके अपन सिस्टम की बात कर रहे तो ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ भी ट्रांसपोर्ट करना है आपको, ऊपर से आपके नीचे की तरफ, मतलब हार्ट यहाँ पे है तो हार्ट के पास में ब्लड ऊपर से नीचे आएगा और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो वेसल आपके ब्लड को अपर पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है उसको बोला जाता है सुपेरियर वना कावा, ठीक है क्या यहाँ तक? ठीक है। और जो वेसल आपके ब्लड को डाउन पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट की तरफ लाता है उसको बोला जाता है इंफेरियर वेना कावा। यहां तक ठीक है क्या? हाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो ब्लड जो है ये आया आपका सुपीरियर वेना कावा से कहां पे? आपके एट्रियम में, ठीक है। कौन से एट्रियम? मेरे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद ये सारा जो ब्लड है इसको ट्रांसपोर्ट किया गया वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल जो है ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है आपके ये एओर्टा, और ये एओर्टा ब्लड को लेके जाता है कहां पे? ब्लड को लेके जाता है आपके लंग्स की तरफ। लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है और उसको फिर से भेजता है आपके हार्ट की तरफ। तो यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंच जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद ये लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड है तो इसको अपन भेजेंगे वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल का जो ब्लड है ये वापस आपका एओर्टा थ्रू कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? आपका ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सिस्टम। समझ में आया क्या यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया क्या? तो ये अपन ने सिस्टम में भेज रहे ब्लड, ठीक है क्या? तो बाकी का अपन नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके।